कुपर वैली शिरी के बल्लेबाज अभी तक, जी हाँ मैं जिक्र ही करने वाला था, बड़े हिट नहीं लगाए हैं, मात्र एक आया है, लेकिन उसके बाद भावेश ने भेज दिया गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और आंखों आंखों में इशारा किया और विकेट कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं की, कमाल की यहां पर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो भाई आप देख सकते हैं सुबह के बज रहे हैं भाई 7, और भाई मैंने आपको दिखाया किस तरह से कल रात को स्नोफॉल हुआ, तो हल्का पाला भी बहुत पड़ा हुआ है भाई आज। तो भाई आज सुबह सुबह इतनी ठंड में हम जा रहे हैं अपना थर्ड राउंड खेलने निरवा फिर से एक बार। तो गाइस यार चलते हैं, आज हमारे दो प्लेयर भी नहीं है, टोपू सिंह भी नहीं है और नितिन भाई भी नहीं है, तो यार चलते हैं फिलहाल निरवा शुभाई हाईवे में को लेने। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे डायरेक्ट गाड़ी में, और आज का सफ़र भी काफ़ी लंबा होने वाला है, तो चलते यार। ठंड बहुत ज़्यादा है, देखिए यार कितना ज़्यादा पाला पड़ा है भाई, ऐसे लग रहा है कि स्नोफॉल ही हुआ, स्नोफॉल हुआ उसके ऊपर पाला पड़ा हुआ, पूरा सफ़ेद हुआ हुआ यार। तो चलते फिलहाल यार, ये देखिए गाइस रोड पे कितना पाला पड़ा हुआ है, इस टाइम हमें गाड़ी में भी आराम से जाना पड़ेगा, और अपनी गाड़ी देखिए आगे कितना पाला है इस पर पड़ा हुआ। तो ये देखिए ये वाली गाड़ी तो पूरी वाइट ही हो गई है यार, ये पूरी तरह से वाइट। तो भाई ये भी डेडिकेशन, एक इतनी ठंड में जा रहे हैं हम खेलने यार। गाइस ये देखिए अपनी गाड़ी पूरी ब्लैक आइस जमी है गाड़ी पे। तो यार चलते फिलहाल, ठंड इतनी ज़्यादा ना भाई, हाथ काम नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हाथ। तो गाइस ये आई अपनी गाड़ी, आंसू भाई आए हैं, हम जाएंगे आंसू भाई के साथ, और बिक्कू भाई भी है। हेलो बिक्कू भाई, कैसे गाइस? बढ़िया, गुड मॉर्निंग। इस टाइम पहुंचे हम अटाल और साहिल भाई जो उस्ताद, आज चुप चुप क्यों थे आप ये बताओ? बोल दिया था कुछ, सॉरी बोला कुछ नहीं, अभी बोलो चुप क्यों थे यार? और दिन आप हमारी क्लास लेते रहते, आप खुद आज गाली मारते, सारे चुप हो जाओ। देखिए अपकमिंग जो स्टार है आने वाले जुगल और भावेश, मैं उन्हें पूरा मौका देना चाहता था कि वो भी कुछ करे। कुछ करे नहीं, आपकी बात हो रही है, चुप क्यों थे? मैं चुप इसलिए था, तभी तो उन्हें मौका दिया जा रहा था कि कुछ बोलने के मामले में भी उन्हें आगे बढ़ना होगा, आवाज उठानी होगी उन्हें। गाड़ी आप आ रहे थे, हमारे बंदे कहाँ जा रहे? शौचालय स्पेशल, इस शौचालय से तो आगे जा रही है, इनकी बड़ी सोच है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। भाई इधर ज़्यादा ठंडी है हमारे, बहुत ठंडी सुबह। अरे देखिए अटाल की वादियाँ, ये रहा अटाल का बाजार, और ब्रेकफास्ट कर हम ग्राउंड में, यहाँ पे चला है मैच इस टाइम, और हमारा मैच इस मैच के बाद है, और धूप बहुत प्यारी लगी हुई है, मज़ेदार। जी हाँ मुकाबला शुरू, और देखिए क्या शानदार तरीके से हैप्पी ने शुरुआत की है, बढ़िया बल्लेबाजी नितेश के द्वारा। पीआरसी मटियाना के अगेंस्ट पर स्ट्रीमिंग पे दर्शक जुड़े हुए, आप सभी का स्वागत है। इस बार पटकी हुई गेंद, जी हाँ दर्शक उस ओर, लेकिन फील्डर वहां पे थे, रणधीर खाटा, ये आपने क्या कर दिया, ये कुपर वैली शिरी के बल्लेबाज अभी तक, जी हाँ मैं जिक्र ही करने वाला था, बड़े हिट नहीं लगाए हैं, मात्र एक आया है, लेकिन उसके बाद भावेश ने भेज दिया गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेला, वहां पर 1 रन लेने का मौका। आईपीएल में इस तरह के कारनामे होते हैं। जी हाँ हिमांशु थे वहां पे खड़े, हिमांशु What a brilliant catch! रीप्ले में देख सकते हैं आप, क्या इस प्रतियोगिता में यही खास पहचान है। एक और विकेट का मौका, यहाँ अभी चूके नहीं है, ये देखिए यहाँ पर इम्बैलेंस, यहाँ पर जो है कैच लिया था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, बैक फुट पर आ गए थे, थोड़ा बॉल को बाहर फेंकना जरूरी है। ओ इस बार एज छोड़ा, गेंद उठा लिया इसको, अक्षय कवर के ऊपर से नदी की ओर मोड़ा, 6 रनों के लिए, कमाल किया पर ये बल्लेबाज, यहाँ
थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। इससे पहले हमने देखा प्रदीप कह रहे हैं बिल्कुल सही, जो खराब गेंद है उसको खेलो आप। चकमा जरूर दिया था वहां पर, थोड़ा सा लालच दिया कि आगे आकर के खेलेंगे और आंखों ही आंखों में इशारा किया और विकेट कीपर ने वहां पर कोई गलती नहीं की, कमाल की यहां पर। जेएमडी मानो यहाँ पर 7 विकेट से ये मुकाबला जीता, टॉस जीता, गेंदबाजी की। गाइस हम मैच हार के देखा होगा आपने और अब जा रहे हैं हम घर, दूसरा मैच चला है यहाँ पे, एक बॉल देखने के लिए रुके हम। काफी अच्छी बॉल। तो गाइस अभी रुके हम यहाँ पे फेडरल स्कूल में, स्टिंग पी रहे हैं और गोलियां खा रहे हैं वाली जो साहिल भाई ने खाई है। हाँ जी, अपनी चाय आ गई भाई, चाय पीते अब। ये यहाँ का कुछ नज़ारा, नाला देखिए आप नीचे नदी, और ये रही आ गई अपनी गाड़ी। हम आगे वापस और अटाल से हम निकल गए थे काफ़ी आगे, तो भाई मेन रोड बंद है, आज हम चौनी वाले रोड से आ रहे हैं वापस घर। और इधर की वैली देखिए आप, पारवी मैच होते, टूर्नामेंट होते हैं, हम भी खेले यहाँ पे, एक सेमीफाइनल आ रहे हैं। ये पारवी साइड नीचे रोड पक्का है, पहले इधर से रोड नहीं था और नया नया बना है ना रोड, 2-3 साल पहले मेटल हुआ है नया नया। और आने वाला तो मैंने मेटल करवा दिया। ये नाला है, यहाँ नाले के ऊपर है ग्राउंड, और अपनी दूसरी गाड़ी पीछे से आ रही है। हार्ड लक बॉयज़।